सुमन दीदी। अरे गुड्डी, क्या हुआ, विठल को ढूंढ रही है? नहीं, वो मंजू दीदी के घर से खाने का सामान आया है, वो देने आए थे। कौन लेकर आया था? मनोज भाई आए थे। मनोज आया था? उसका नाम सुनते ही मेरा जी घबराने लगता है। गया क्या? हाँ। लेकिन यहाँ क्यों लेकर आई है? रात को उसे कमरे में ही दे देती ना। खराब हो गया तो? दे मुझे, मैं देकर आती हूँ। ए गुड़िया। क्या पंकज, डरा दिया ना हमको? काम हो गया क्या? हाँ हाँ, हो गया काम। हमने रख दी डायरी। तब साहब थे क्या? हाँ थे ना, उनके सामने ही रखी हमने। का पंकज, कुछ भी बोलते हो। ए चुप रे, ज्यादा होशियारी मत दिखा गुड्डी। वो क्या है, डायरी सिर्फ साहब के ही हाथों में लगनी चाहिए, इसलिए पूछा। हमने हमारा काम कर दिया है। हाँ ठीक है, अब किसी से कुछ बोलना मत। अब एक बार डायरी साहब के हाथ लग गई ना, फिर देखना मंजू पे कैसा बम फूटने वाला है, देखते रहना। और मैडम ने देख ली तो? मैडम ने देख ली तो दिवाली वाला बम फूटेगा, झूठ मुठ का। वो क्या है ना गुड्डे, असली बम तो साहब ही डाल सकते हैं। मालती मैडम के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब सूत्र साहब के हाथों में है, इसलिए वो डायरी सिर्फ साहब के हाथ में ही लगनी चाहिए, दूसरे किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। अरे यार जल्दी रखना, रख। पंकज हो गया? हाँ सब। चलो विठल। इप्रेडो रुको, सेल्फी निकालते हैं, रुको। मॉम आइए ना। मैडम चलें क्या? मैडम चलो जल्दी। ये लो बेबी, सब कुछ दिया है ना, थोड़ा थोड़ा खाओगी ना? अरे खाओ खाओ। ये क्या है? ये ना मैंने घर से कुछ खाने के लिए लाया है, इसमें लड्डू है, तुम खाओगी? हाँ। ये लो एक ही दे रही हूँ, अगर पसंद आया तो मैं तुम्हें और दे दूंगी। ये लो यहाँ रखती हूँ। बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। मुझे दादी ने बनाए हुए लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि उसमें बहुत सारे बादाम और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये पसंद आया ना तो पूरा खा लो। मैं जाऊँ? सर आपके लिए कुछ लेकर आऊं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं भी अपने घर से कुछ लाई हूँ, आपको दूं, चलेगा ना? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। लेकिन मुझे यही कहना था कि मुझे सिर्फ अनार से अच्छे लगते हैं। मुझे पता है, इसलिए माँ को बनाने के लिए कहा था, सिर्फ आपके लिए। मतलब सबके लिए, सुमई को भी दिए थे मैंने। लेकिन सुमन को देने के लिए बचने तो चाहिए। हैप्पी दिवाली। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हें देखकर दिवाली को दियों का त्योहार क्यों कहते हैं ये अब पता चला है मुझे। शट अप। तो आज ये भी यही है? हाँ
मैडम हैप्पी दीपावली। दीपावली नहीं, दीपावली। इट्स हैप्पी दीपावली। मैडम आपके लिए कोई मिठाई लाऊं? मैं भी अपने घर से नमकीन लाई हूँ, मतलब चिवड़ा, चकली, लड्डू, अनरसे, तीखा सेव भी है, आपको दूं? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे घर का कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे अनार से बहुत ही अच्छे बने हैं। मॉम ने जो नमकीन बनाया है ना, उसमें से थोड़ा लेकर आओ। तुम भी कमाल करती हो, इसके घर के नमकीन तुम कैसे खा सकते हो? इन्हें तो हाइजीन नाम की चीज ही नहीं पता। एक मिनट रुको। ये इयररिंग्स किसने दिए तुम्हें? ये इयररिंग्स तुम्हारे पास कैसे आए? शौनक, ठीक ऐसे ही इयररिंग्स तुम मेरे लिए लाए थे ना? हाँ, वो ऐसे ऐसे ही थे। लेकिन फिर तुमने वो मंजू को दे दिए। Actually it's very thoughtful. बहुत ही चीप और बकवास थे वो इयररिंग्स। देवयानी प्लीज, मंजू हमारे सामने ही खड़ी है। आई एम सॉरी, लेकिन इन लोगों को तो सेकेंड हैंड चीजें यूज करने की आदत होती है। और मंजू, मैंने वो इयररिंग्स पहन के भी नहीं देखे थे, मुझे चीप मेटल की एलर्जी है ना। तुम पहनो, अच्छी लग रही हो तुम। एक्चुअली मेरे पास कुछ पुराने ड्रेस भी है, वो तुम्हें दे देती हूँ, दिवाली का गिफ्ट समझ लो। देवयानी प्लीज। व्हाट, तुमने भी इसे दिवाली बोनस ही गिफ्ट दिया है ना? नहीं, नहीं? ओके ओके, अब मेरी समझ में आया, तुमने इसे क्यों गिफ्ट दिया। वो ये सो कॉल्ड एग्जाम में पास हो गई इसलिए, राइट? सो नाइस ऑफ यू। वो मैंने इसे, मंजू जल्दी नमकीन लेकर आओ और थोड़ा सा ही लाना, जाओ। एक मिनट, ये तुम्हारे घर की मिठाई। जाओ। ये इस तरह का कुछ भी खाना बंद करो। हाँ प्लीज, मॉम ने देख लिया ना तो गुस्सा करेंगी। देवयानी तुमने ऐसा क्यों कहा? वो क्या महसूस कर रही होगी? क्या कहा मैंने? अच्छा ही तो कहा। तुमने तो ऐसा इम्प्लाई किया कि वो गरीब है, इसलिए तुमने रिजेक्ट की हुई इयररिंग्स मैंने उसे दे दी हैं। सो देवू, अरे जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था उस दिन उसका भी बर्थडे था, इसलिए मैंने उसे वो इयररिंग्स दी थी। व्हाट, सीरियसली? आई जस्ट कांट बिलीव कि हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता है। हमारे बीच कुछ कॉमन हो सकता है? ओ गॉड, आई जस्ट कांट डाइजेस्ट इट। एनीवे, वो इयररिंग्स बहुत ही चीप थे और वो उसके लिए ही ठीक है। शौनक, ठीक ऐसे ही इयररिंग्स तुम मेरे लिए लाए थे ना? बहुत ही चीप और बकवास थे वो इयर। आई एम सॉरी, लेकिन इन लोगों को तो सेकंड हैंड चीजें यूज करने की आदत होती है। मंजू, मैंने वो इयररिंग्स पहन के भी नहीं, मुझे चीप मेटल की एलर्जी है। अच्छी लग रही है। एक्चुअली मेरे पास कुछ पुराने ड्रेस भी है, वो तुम्हें दे दी, दिवाली का गिफ्ट समझ लो। किसने
किसी के आने से पहले मुझे जरा ये चख के बता। ये ले। मैं क्या चोर हूं जो चोरी से खाऊं? मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा मुझे। जो चीज दूसरों के लिए बनी है उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। प्यार से पूछ रही थी, मुझ पर गुस्सा होने का कारण क्या है? मुझे नहीं चाहिए, बोला ना तुझे। मैं गरीब जरूर हूं पर लालची नहीं हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, प्लीज तुम वो लोगी। शौनक, ठीक ऐसे ही इयररिंग्स तुम मेरे लिए लाए थे ना? हाँ, वो ऐसे ही थे ना वो। लेकिन फिर तुमने वो मंजू को दे दिए। अब मेरा गुस्सा इन झुमकों पर क्यों निकाल रही है? कितने अच्छे दिख रहे थे। मैं किसी का गुस्सा किसी और पर नहीं निकाल रही। और तुझे इतनी पसंद आ गया ना तो तू पहन ले। वैसे भी बोझ लग रहे हैं मुझे। जब लिए थे तब पहन के नहीं देखे थे क्या? गलती हो गई मुझसे, बिना मतलब ले लिए। जो चीज संभाली नहीं जाती वो पहनना ही क्यों? मंजू, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? जाने दे, मुझसे ही गलती हो गई। बेकार में तुझे चखने के लिए कहा। अरे, तुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा था मुझे, बल्कि किसी पर गुस्सा नहीं आ रहा। मैं तो बस, जाने दे, मैं देवयानी मैडम को नमकीन देकर आती हूँ। चलती हूँ। हाँ, क्या मदार? अरे, तू नमकीन की थैली दे आया ना मंजू को? तेरे कहने का मतलब क्या है? अब उनके हाथ में दिख रहा है क्या? तो फिर दी होगी ना? क्या आपको क्या लगता है मैंने रास्ते में खा लिया? हा? ओ मदर, जरा खुल के बोल, अपुन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। अरे बाबा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो सांप लोग के नजर में आ गया तो इससे लिए पूछा। रुक, तेरे लिए अभी लेकर आती हूँ नमकीन की थाली। ओ मदर, रहने दे। अंजू सुन, फादर तुम भी सुनो, एक खबर देनी है। खबर? क्या रे बाबा, कौन सी खबर दे रहा है? तूने फिर से कुछ किया है क्या? फादर, हजार बार बोल चुका हूँ आपको, बिना मतलब का वीपी क्यों बढ़ा रहे हो? अच्छी खबर है, अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट शुरू हो रही है। वो बिल्डर के हाथ के नीचे काम पे लगा है। अरे वाह, जकास। हे भगवान, उसने एडवांस दिया है, लो। भगवान के सामने रख और पैर पड़। ओ मदर, तुम ही रखो ना। भगवान, तूने अच्छी बुद्धि दी है मेरे बेटे को। अब मेरी मंजू को भी अच्छा कर दो, मतलब वो खुश रहे। भैया, और मुझे भी जल्दी से अच्छा सा गिफ्ट देना, मतलब मैं भी खुश हो जाऊंगी। बस क्या सिस्टर, कर दी ना छोटी बात। अरे तेरे लिए पूरा मॉल लूटा है मैंने, लेकिन पैसे दे के। आपको क्या लगता फादर? है फादर, मंजू भी आज यहाँ होनी चाहिए थी। वैसे भी इस घर में उसकी आखिरी दिवाली है, अब उनको बहुत याद आ रही है। सही कहा। अंदर आ जाऊं? अरे जीजा जी, जमाई बाबू, नमस्कार। जमाई बाबू, अब इसमें पूछने की क्या बात है, ये भी तो आपका ही घर है और हमारी लड़की भी आपकी है। ये लीजिए, मम्मी ने दिया है। अरे बाप रे, ये भी एकदम झक्कास है। हाँ, मम्मी को पसंद आया तो उन्होंने ले लिया। अंजू, नमकीन लेकर आ जरा। हाँ। मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक है। जीजू, हैप्पी दिवाली। अरे वाह, आपके लिए ये खाओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। तो आज यहाँ जीजू भी है, तो इस टाइगर को अपने दिल से कविता की दो पंक्तियां सूझ रहे लिए। हाँ? न सब्जी न भाजी, कैसी है? न सब्जी न भाजी, ओनली अपने जीजा जी। और अगले साल अपने शादी के बाद की पहली दिवाली होगी, फर्स्ट पारवा एंड ऑल। ओह माय गॉड, तो दिवाली का त्योहार कब होता है? शौनक, बताओ ना, दिवाली का त्योहार कब होता है? आई डोंट नो। क्या हुआ, इतना मूड ऑफ क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम कुछ दिखाने वाली थी ना मुझे? ओह यस, कम 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 कम, ये देखो मैंने कितनी शॉपिंग की है। ये साड़ी मॉम के लिए ली है, कितनी मस्त ब्राइट कलर है ना। एंड दिस इज फॉर मोनिका, लुक एट दिस, इट्स सो रिच। एंड दिस इज फॉर यू। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया ये सब? बढ़िया है, इट्स वेरी नाइस। देव, मैं बस अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बस अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब टॉयलेट के लिए भी तुम्हें पूछ कर जाना पड़ेगा क्या? रुको मंजो, तुमने इयररिंग्स निकाल क्यों दिए? हाँ, आपको देने ही आ रही थी। मंजू, ऐसा मत करो। अरे ये मैंने तुम्हारे लिए लाए थे। सर आपने मुझे गिफ्ट दिया, इसकी खुशी है मुझे, पर दूसरों की चीजें मैं इस्तेमाल नहीं करती, और इसे मेरा ईगो मत समझना, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ। जिस दिन ये चीज खरीदने की मेरी औकात हो जाएगी उस दिन मैं खुद खरीद लूंगी। लीजिए, ये तुम्हारा गिफ्ट है, उससे तुम्हारी परिस्थिति का कोई संबंध नहीं है, और तुम्हें लग रहा है उतना महंगा भी नहीं है ये गिफ्ट। जानती हूँ सर, देवयानी मैडम 4 बार मुझे बोल चुकी है चीप है चीप है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इट्स ओके सर, मुझ में ही समझ होनी चाहिए। आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाएंगे? क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम्हारा जन्मदिन था इसीलिए। देवयानी ने जो कुछ कहा वो मैंने उसे झूठ कहा था इसलिए। अरे मैं कल देवयानी के पास गया था, तब मेरे जेब से वो इयररिंग्स गिर गए थे, इसलिए मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। और कल तुमसे कहा भी था ना कि गड़बड़ हुई है करके, वो यही। अरे प्लीज मुझ पर भरोसा रखो मंजू, अरे मैं सच कह रहा हूं। कल मैं गाड़ी पार्क करके तुम्हारे लिए इयररिंग्स खरीदने गया था, तब ट्रैफिक पुलिस वाले मेरी गाड़ी भी उठा कर ले गए थे। सर आप इतना क्यों बता रहे हैं? आप मालिक हैं, मुझे सफाई मत दीजिए, और ये इयररिंग मुझे नहीं चाहिए इसलिए वापस दे रही हूँ। लीजिए। मैं इन्हें वापस नहीं लूंगा। अब नमकीन देने में देर हो गई तो देवयानी मैडम गुस्सा हो जाएंगी, मैं चलती हूँ। मंजू, हमारे बीच का वो बिना नाम का समथिंग, सर हमारे बीच बस एक ही रिश्ता है, मालिक और नौकर का। चलो भाई, ठीक है, आ गए। कैसे चल रही थी याद है ना? मुझे बार बार वही याद आ रहा है। मॉम, आपको याद है वो औरत जो आपके आगे पीछे बार बार घूम रही थी, कितनी फनी दिख रही थी ना? मॉम क्या हुआ, आपका मूड क्यों खराब है? मॉम हम उस औरत पर हंस रहे इसलिए आप गुस्सा हो गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम को जरूर कुछ हुआ है, जब से हम गाड़ी में बैठे हैं ना तब से उनका मूड ऑफ है। अरे नहीं, जब हम निकले थे तब मॉम नॉर्मल थी। गाड़ी पार्क कर दो, चलो। मॉम, अरे हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सॉरी सॉरी। अरे अरे नहीं दो। क्या बात है, आप इतनी ड्रेन आउट क्यों लग रही है? नहीं बेटा, अब हम जहाँ गए थे ना वहाँ कब से खड़ी थी इसलिए बस। ओके एनीवे, मैं जरा जाकर आराम कर लेती हूँ। और हाँ, अगर पंकज या कोई और दिखे ना तो उनसे कहना कि मंजू को जरा मेरे कमरे में भेज दे। तुम रुक रही हो ना थोड़ी देर? हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे
हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बाय द वे, मॉम को क्या हुआ है? तुम लोगों के साथ कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ ना? या शौनक ने फिर से कुछ कर दिया? नहीं, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गॉड नोज मॉम ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। मुझे थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि मॉम ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे तब अचानक ऐसा कुछ हुआ था कि मॉम का मूड ऑफ हो गया था। मतलब हाँ, उन्हें एक डायरी मिली थी और उन्होंने वो पढ़ी थी और फिर अचानक उनका मूड ऑफ हो गया और पूरे सफर में वो कुछ न कुछ सोचे जा रही थी। स्ट्रेंज, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? सीरियस तो क्या हुआ? तुम लोग कुछ सीरियस बात कर रहे हो? अरे, मॉम को गाड़ी में एक डायरी मिली और उसे पढ़ने के बाद मॉम काफी डिस्टर्ब हो गई हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। ओह गॉड, आई जस्ट होप इन सबके पीछे उस मंजू का हाथ ना हो। एक्चुअली मॉम ने अब मंजू को उनके रूम में बुलाया है। व्हाट? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।